मैं नहीं कहता गर्लफ्रेंड अपना ख़राब है, गर्लफ्रेंड रखिए, बट फिर आपका लाइफ में इंटेंट क्या है वो देखिए, पढ़ाई करिए। दोस्त रखना और दोस्त के साथ पढ़ाई करना और सफलता पाना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ था कि जी मेरे लाइफ में मेरी वाइफ थी, अब मैं तो तैयारी में बाद में आया, शादी के बाद तैयारी, जॉब करके 6 साल उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर। कुछ शब्द है जैसे कुत्ते भौंके हज़ार हाथी चला बाजार, तो देखिए जब भी कोई ऊपर उठता है उंगलियां भी उठती हैं। इंटेंट और माइंडसेट से आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग बहुत ही मस्ट है, आप आंसर लिखिए। मेंस ही वो मछली की आँख है जिसको आपको भेदना है, मेंस ही आपका रैंक डिसाइड करेगा, मेंस ही आपका पोजीशन, आपका सिलेक्शन बनाएगा। ये रहना चाहिए कि आप लगे रहें, छोड़े नहीं। स्थितियाँ कठिनाई जिंदगी का हिस्सा है, अगर सब लोग को कर लेना होता तो सब लोग कर लेते, लेकिन वो कठिनाई को जो झेलता है वही आपके स्वरूप को बदल देगा। सफलता जानते हैं राम राज्य कितना अच्छा है, आज हम सब सारे गवर्नमेंट सारी सरकारें कोशिश कर रही है राम राज्य को करने के लिए। है ना कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आज डीएसपी पद पर मतलब कह सकते हैं सिलेक्शन हो चुका है और गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है। साथ में मुखिया जी भी आए, गांव के तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं, आज इनका सम्मान किए हैं, स्वागत किए हैं और देख सकते हैं फूलमाला पहनाकर। लेकिन आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो इन चीज़ से हार जाते हैं कि मेरा कुछ होगा ही नहीं, चलो हम बैक मार लेते हैं, कुछ ना कुछ दूसरा कोई देखें, दूसरा काम देखते हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करने वाले हैं क्योंकि उन छात्रों के लिए, क्योंकि आज इनसे देख कर वो सीखेंगे और जो हार मान गए हैं शायद वो हार नहीं क्योंकि फिर से दोबारा प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। स्वागत है अशोक जी, शुक्रिया बहुत बड़ा, आपका भी स्वागत है मेरे गांव में। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या स्ट्रेटजी क्या है, क्या रणनीति है, क्या पढ़े थे? पहले तो मैं शुरू करूंगा कि जो आपने सवाल पूछा कि बहुत बार लोग कुछ तकलीफ के कारण, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर वापस आ जाते हैं या फिर असफलता के कारण पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, वो प्रयास को छोड़ देते हैं मूलतः। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तकलीफ़ आई तो मदीना गए, अपने आप को थोड़ा मजबूत किया और वापस आए। तकलीफ़ राम जी को भी थी जब वो वनवास गए, अपने आप को मजबूत किया मेंटली और फिजिकली, वापस आए, अपना राज संभाला। आज हम सब जानते हैं राम राज्य कितना अच्छा है, आज हम सब सारे गवर्नमेंट सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं राम राज्य को करने के लिए। उसी तरह हर जिंदगी हर एक जो एस्पिरेंट है उसके लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, किसी माँ का तबीयत खराब हो जाएगा, पिता का तबीयत खराब हो जाएगा, कोई आर्थिक स्थिति आ जाएगी कि घर वापस आना पड़ेगा, कोई नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये ज़िंदगी का अंत नहीं होगा। आप वो आर्थिक स्थिति को पहले करें, वो ज़रूरी है, सो करने के बाद थोड़ा टाइम निकालें और पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि सफलता उसी की आती है जो लगा रहता है निरंतर, और वो निरंतर लगे रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे भी ज़िंदगी में शादी हो गई, बच्चा हो गया, बट देन मैंने पहले मेरा नियत था मैं तैयारी करूंगा, तभी लोग जुड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसी तरह अगर आप में नियत है, अगर आप आर्थिक स्थिति है, आप घर का आ गए, तो मुझे मेरा मानना ये है, बिल्कुल विश्वास करिए, वो जो माँ जो बेड पे लेटी हुई है बीमार है वही आपको बोले कि बेटा तू जा पढ़ाई कर, तू छोड़ मैं कर लूँगी। तो आप में नियत ये रहना चाहिए कि आप लगे रहें, छोड़े नहीं। स्थितियाँ कठिनाई जिंदगी का हिस्सा है, अगर सब लोग को कर लेना होता तो सब लोग कर लेते, लेकिन वो कठिनाई को जो झेलता है वही आपके स्वरूप को बदल देगा। सफलता असफलता अलग चीज़ है, स्वरूप सोच बदलना वो बहुत ज़रूरी है, और वो कठिनाई झेलने के बाद ही आएगी, अपने आप घर में बैठे बैठे एसी में नहीं आएगी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, आपका रणनीति कैसे पढ़ते थे, किस तरह से पढ़ते थे? जी जब मैं और लोगों से बात किया तो देखिए बहुत लोग तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दिशाहीन तैयारी के कारण बहुत वर्ष गुजर जाते हैं, 5 साल 4 साल 6 साल लोग लगा देते हैं तैयारी में। तो आपका इंटेंट क्या रहना चाहिए, जैसे बहुत लोग बीपीएससी की बात करें तो बहुत लोग पीटी में लगे रहते हैं, तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि बहुत टॉपर्स बोलते हैं पीटी में लगो, पीटी करो, ये करो, नहीं, पीटी नहीं है, मेंस है, मेंस के लिए आपको रेडी रहना है। पीटी 1 साल नहीं हुआ चलेगा, बट जिस साल पीटी हुआ उस साल आपका टॉप रैंक आना चाहिए। तो मेंस ही वो मछली की आँख है जिसको आपको भेदना है, मेंस ही आपका रैंक डिसाइड करेगा, मेंस ही आपका पोजीशन, आपका सिलेक्शन बनाएगा, मेंस ही मेरिट है। अब मेंस के लिए GS1 है, GS2 है,
और एसए है। अभी जो बीपीएससी में चेंजेस आया है, बदलाव आया है, उसमें पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। तो पहली बात है कि अखबार, अगर आप पूछें मुझसे बुक लिस्ट पूछें और वो पूछें, तो पहली बात है अखबार को आपको निरंतर पढ़ना है, एक सोच बनानी है आपको। अखबार ये होता है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये आपका बैंकिंग और एसएससी लेवल हुआ। अगर आप बीपीएससी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपनी एक सोच बनानी पड़ेगी कि हाँ, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बिहार में कास्टिज्म जातिवाद है, तो क्यों है, क्या कर सकते हैं, और इसका आप अगर रहेंगे वहाँ पर तो आप क्या करिएगा। तो आप एज अ सेवा में, प्रशासनिक सेवा में आपसे सुझाव मांगा जाएगा, आपको चीज़ों को करना है। आपको बस ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, वो क्यों थे और कैसे बने, और उनके बनने से क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या कमियां रह गई जो कि आप पूरा करेंगे। तो वो सोच से, वो इंटेंट और एक माइंडसेट से आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग बहुत ही मस्ट है, आप आंसर लिखिए, जो भी प्रत्याशी जो भी कोशिश कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करिए। ऐसे में अपना एक लोकल आपका जो व्यक्तित्व है वो झलकना चाहिए। कितना देर पढ़ते थे आप? देखिए, ये जो ना गलत धारणा है कि इतना देर पढ़ लीजिएगा तो ये आप बन जाइएगा, वो धारणा बिल्कुल गलत है। ये कोई खाना पकाना नहीं है कि इतना देर चढ़ा दिए और अघन पे और छिटी आ जाएगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल YouTube में क्या हो गया है, लोग बहुत चकाचौंध कर दिए हैं चीज़ों को। लोग सोचते हैं कि बहुत ही बस 8 घंटा पढ़ लेंगे, ये बुक पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नहीं, पहली बात है तो आपका माइंडसेट बदलिए, अप्रोच, क्योंकि एक टॉपर में और इसमें डिफरेंस आता है। मैं भी बहुत लोगों को देख रहा हूँ, जब मैं नहीं बना तो पहले देख रहा था। तो ये धारणा ये है कि आप अपना माइंडसेट बदलिए। माइंडसेट कैसे बदलिए कि आपको क्वालिटी स्टडी करना है, क्वांटिटी स्टडी नहीं करना है। क्वालिटी स्टडी मतलब कि आपको सही तरीके से पढ़ना है, ना कि ज़्यादा घंटे पढ़ना है, दोनों में अंतर है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा अपना, तो आपका सोचने का टाइम नहीं वहाँ पर, जो आप रटे हैं या फिर वो करे हैं, जो आपके अंदर बसा हुआ है ना, वही बाहर आएगा। वो टाइम बहुत कम सीमा में बहुत सारे आंसर लिखने होते हैं, और उस टाइम जो आपके मन में है, अगर आप जातिवाद में विश्वास रखते हैं तो वहाँ जातिवाद झलकेगा आपके आंसर में। अगर आप किसी चीज़ से समानता नहीं रखते हैं तो झलकेगा आपका, और वही मार्क्स में आपका ट्रांसलेट होगा, और सफलता असफलता के लिए वही आपका। आपके कहने का मतलब रटना नहीं है, समझना है। समझना है, देर सही दुरुस्त सही। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है देखते थे कि YouTube का सहारा लेके पढ़ाई भी करते थे, तो आप ऐसे करते थे? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं की कहीं से भी, मैंने खुद से पढ़ाई किया। लेकिन ये तो बोलना बहुत आसान है, मैंने खुद से पढ़ाई किया, भाई मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया, बट ये बहुत लोग गुमराह कर देगा। तो मैंने पहले से काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया है, 10th में मेरे 90% थे, 12th में 92% थे। अब मैंने कोशिश की है कि हर जगह जहाँ जहाँ, तो आप जिस क्लास में हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं अभी 12th कर रहा हूँ, मुझे बीपीएससी करना है, सर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, मुझे बीपीएससी करना है। कोई बोलते हैं मैं सर मैं अभी 8th क्लास में हूँ, मुझे बीपीएससी करना है। करिए, बट उसका तरीका यही है कि 8th की किताबें ढंग से पढ़िए, आप 10th में तो 10th का किताब ढंग से पढ़िए, 12th में 12th का किताब ढंग से पढ़िए। आपको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आने का मतलब है कि कोई भी किताब मिले आपको उसको समझना आना चाहिए, सिटिंग होना चाहिए आपका, 3 घंटे 4 घंटे बैठना आना चाहिए। क्योंकि आप 3 घंटे बैठ गए, आप 3 घंटे पढ़ाई नहीं करते हैं, 3 घंटे बैठ करके आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई करते हैं बच्चे वो समझ पाएंगे इस बात को कि आप 3 घंटे बैठ कर, 3 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, दिमाग घूमते रहता है वहाँ वहाँ। आप योगा करिए, नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़िए, तो उससे क्या होगा, आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को आप सही चीज़ों में दिमाग लगा सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन आपके आवाज़ नहीं आ रहा है। आपके गांव में बहुत सारे लोग, हम लोग देखते थे कि जो स्ट्रगल करते हैं उनको ट्रोल करते हैं, कुछ कहते हैं, ऐसा आपके लाइफ में कुछ? देखिए, वो है, वो बहुत ही थोड़ा कटु शब्द है, कुत्ते भौंके हज़ार, हाथी चला बाजार। तो देखिए, जब भी कोई ऊपर उठता है उंगलियां भी उठती हैं कि क्यों कर रहा है, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, शादी कर लो। जो बच्चियाँ हैं वो उनको कहा जाता है शादी कर लो, जो बच्चे हैं अरे तुम्हारा बाप अभी भी मजदूरी कर रहा है, तुम पढ़े कर रहे हो। बट अगर आपके सोच में वो है, दृढ़ संकल्प है, जुनून है, तो आप अपने काम में लगे रहिए, समय लगेगा लेकिन एक दिन में सफलता मिलेगा एक दिन आपको। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ से समानता रखते हैं ना कि मुझे करना है, तो आप करिएगा और लोग आपको मदद करेंगे, करेंगे मदद। शायद आप राजस्व विभाग में इसके पहले थे? जी नहीं, थे नहीं, सिलेक्शन हुआ था, बट अभी ज्वाइनिंग बाकी थी, तब तक ये रिजल्ट आ गया। लेकिन
किनका ऐसा बात आपको लग गया कि मुझे अब डीएसपी बनना ही चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आप बोल रहे थे। नहीं, किन्हीं का बात जो ऐसा लगा मुझे, जी जी जी, तो हमने चाहा कि बन के ही नहीं, डीएसपी बस एक उसका स्वरूप है, समाज सेवा मेन इंटेंट है, मेन नियत समाज सेवा का है कि आप जो पढ़े हैं लिखे हैं वो समाज में आप चार लोगों को बताइए, पढ़ाइए, समझाइए, और कहीं वो लोग अच्छा कर लें तो 4 से 44 हो जाएगा और समाज ऐसे ही बढ़ेगा। अच्छा, बाकी जो समय आपको मिलता था उस समय कौन सा बुक पढ़ते थे या घूमते थे, योगा करते थे, क्या करते? देखिए, अगर बुक का बात करें तो आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। अच्छा, रीडिंग हैबिट मतलब कि आप कोई साहित्य किताब है, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो एक आपका ना एक लेवल ऑफ माइंड ना, एक उसमें एक तैयारी का एक अलग माहौल होता है, उसमें आप गलत न्यूज़ में चकाचौंध दिए बॉलीवुड की न्यूज़ में नहीं पढ़ सकते हैं, और सोच में बनाने के लिए आपको वैसे लोगों से अपने आप को घेरना पड़ेगा जो कि आप में नेगेटिविटी ना लेकर आए, पॉजिटिव रहें, आपको हमेशा साथ बढ़ाएं, और फ्री समय में आप योगा कर सकते हैं, नमाज पढ़िए, ध्यान करिए, ताकि दिमाग को एकत्रित करना, जो दिमाग की सोच है उसको एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप किसी से जब आंसर लिखिएगा तो वो बहुत 5-6 मिनट में आपको वो आंसर देख करके, क्वेश्चन देख करके आपको आंसर फ्रेम करना है और लिखना है, उस टाइम पे अगर आपका दिमाग एकत्रित नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो फ्री समय है उसको सोने में बिताएं, सोएं, बहुत अच्छा चीज़ है वो सोना, खराब चीज़ बिल्कुल। शर्मा जी क्या 12th फेल मो भी आया है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड थी काफ़ी उनको मदद की, तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ था कि जी? मेरे लाइफ में मेरी वाइफ थी, अब मैं तो तैयारी में बाद में आया, शादी के बाद तैयारी, जॉब करके 6 साल उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की, और वाइफ का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जहाँ आपको लगता है ना कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो 12th मूवी देख रहे हैं आप वो जो है, तो वो मूवी में क्या होता है कि आप चीज़ों को ना थोड़ा हाइपर इन्फ्लेट कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा आप रोमांचक बनाने के लिए, ताकि थोड़ी अच्छी मूवी बने, तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तैयारी हमेशा एकांत में ही होगी, ये बहुत बड़ा सच है। यानी रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है? जी, बहुत अंतर है, और एज अ जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि जो अपना रियल लाइफ को ही दिखाएं। रियल लाइफ में जाने से क्या होता है कि बच्चे दूसरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो कि उनके लिए बहुत सही नहीं है। मैं नहीं कहता गर्लफ्रेंड अपना ख़राब है, गर्लफ्रेंड रखिए, बट फिर आपका लाइफ में इंटेंट क्या है वो देखिए, पढ़ाई करिए, दोस्त रखना और दोस्त के साथ पढ़ाई करना और सफलता पाना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ उस जीवन का जो वो समय है जो सबसे आपका लाभदायक समय है उसमें आप अन्य चीज़ों में दिमाग लगाएंगे, तो तैयारी या आपका जो ऊंचाई है उतना आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो परिवार का, माता पिता का कितना सहयोग रहा? माता पिता का पूरा सहयोग रहा है बचपन से आज तक, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था, चाहे स्टार्टिंग की पढ़ाई हो, शुरुआत की, जॉब छोड़ना हो, इंजीनियरिंग करना हो, और उसके बाद फिर जॉब छोड़ करके फिर से तैयारी करनी हो, सपोर्ट हमेशा रहा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस ना करें, बस असिस्ट करें, सहयोग दें। बच्चा जहाँ जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में, कला में, संस्कृति में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तैयारी में, कृषि में, कृषि में भी बहुत स्कोप है, बच्चा जिस तरफ झुकाव है सपोर्ट करें, इन्फ्लुएंस ना करें उसको, क्योंकि बच्चे का जो पैशन है उसको इग्नाइट, मतलब उसको चिंगाई देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी आपके माता पिता के द्वारा ये कहा गया कि अब मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया, यही रहने दो, छोड़ दो अब दूसरी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कहा गया, बेटा तुमको जो मन है तुम करो। वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा हमेशा, बस यही है, ये मेरे ख्याल से जो ये पीस ऑफ माइंड था ये बहुत ही बहुत मददगार साबित हुआ है कि माँ बाप का हमेशा सहयोग, मतलब कि अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है हर चीज़ों में। अगर मैं आज बोलूँ कि डीएसपी छोड़ दो तो मेरे माँ बाप एक बार भी कुछ नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम नहीं, बेटा तुम करो, कभी नहीं बोलेंगे। आपके पिताजी एक जीप चालक हैं DRM ऑफिस दानापुर में, और काफ़ी इनका मेहनत है, तो इन सब का श्रेय किन को जाता है? जी, इन सब का श्रेय पापा को जाता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद में पढ़ाई लिखाई से, मेहनत से ज़्यादा इनका हौसला और हिम्मत। अगर ये सवाल जो आपने से पूछे कि आपकी आपको कोई लोगों ने बोला नहीं बोला, तो ये सवाल का जवाब मेरे पिताजी ज़्यादा अच्छे से देंगे आपको। चलिए, कि कितने लोगों ने क्या बोला। हाँ, चलिए इनके पिताजी से बात करते हैं। आपका भी स्वागत है, और बहुत खुशी की बात है कि आज आपके लड़के और यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं पूरा लोग खुश हैं, उत्साह में हैं कि आपके लड़के DSP पद पर सिलेक्शन हो गया। आप खुश हैं कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। कितना खुश हैं?
खुश बहुत हैं, लेकिन हमारे खुशी इसमें है से ऊपर वाला ने हमारे लड़का को नवाजा, मेरा लड़का ने इतना मेहनत किया, ये बहुत बड़ा ऊपर वाला के अल्लाह ताला के मेहरबानी है। और मेरा बच्चा जब पैदा नहीं हुए थे जब इनसे मेरा शौक था, मैं भी अनपढ़, मेरा वाइफ भी अनपढ़, अच्छा, और अच्छे समाज से समाज में बिलोंग किए, और मेरा था से मैं अपने बच्चे जो भी होंगे या लड़के या लड़की उनको अच्छे शिक्षा देंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने को लगा कि नहीं हमारे लड़का को तो सिलेक्शन हो गया दूसरे जगह पे, तो अब मतलब छोड़ के फिर दूसरे जगह सोच रहे हैं, दूसरे जॉब करने के लिए या दूसरे चीज़ों में जाने के लिए दूसरे विभाग में, तो लगा कि नहीं बाबू ये नहीं करो ये करो? नहीं नहीं, इनका तो 12th जैसे 12th दे के रिजल्ट आए थे उसी टाइम इनका 12th की परीक्षा का रिजल्ट आया, इनका नौकरी का रिजल्ट आया पोस्टल डिपार्टमेंट में पटना में। तो उस टाइम में हम लोग भी नहीं, हम बच्चे पर निर्भर थे, बच्चे तुमको जो मरना है करना करो, हम उसमें नहीं रोकेंगे। पूरे मेरे परिवार के लोग बोल रहा था पकड़ लो नौकरी, नौकरी पकड़ लो, आखिर वो नौकरी लड़का ने मेरा बोला पापा जी हमको अल्लाह ताला लिखे होंगे भीख मांगने के तो भीख मांग लेंगे, लेकिन मेरा मेहनताना ना जितना चाहिए कहें उतना नहीं मिला है, अभी कम है। उस टाइम में 12th में उस समय आज से कई साल पहले, 15 साल पहले। अच्छा, बताइए बच्चे जब रहते हैं तो काफ़ी कूद फान बदमाशी करते हैं, इनके बारे में कुछ बताइए, इनकी बचपन के कुछ ऐसा चीज़ जो बदमाशी? नहीं इसे कोई, मेरा तीनों बच्चे एकदम बहुत जैसे बाप माँ है उसे मेरा बेटा है। अच्छा, कोई से आज तक कुछ यानी किसी आदमी ने उड़ान नहीं दिया है। अच्छा, जहाँ रहते हैं जहाँ पर भी चाहे गाँव में आते हैं तभी भी कोई मेरे बच्चे के बारे में आज तक नहीं एक शब्द बोला है, ना कोई चौक चौराहे कहीं पर कोई पर नहीं। क्या कहना चाहिएगा मुखिया जी, आप आए हैं इनके दरवाजे पे और आज फूल माला एकदम स्वागत किए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो यहाँ हम लोग के समाज से पहुँचे हैं, इनका बहुत बहुत बधाई देना चाहिए, बहुत शुभकामना देना चाहिए, ऐसा ऐसा बाप मातारी हर आदमी को होना चाहिए, से पढ़ा लिखा के जगह पर पहुँचाना चाहिए, अपना अपना सूत्र लगाना चाहिए, इसलिए बहुत बहुत हम लोग को बधाई देना चाहिए। चलिए हमारे साथ नेताजी, क्या कहना चाहिएगा नेताजी? हमारे गांव में खुशी का माहौल है, हमारे समाज के लड़का DSP बने हुए हैं, हमारे प्रखंड अनुमंडल तक इस खुशी का माहौल में सब लोग एकदम गमगीन हैं, हर माँ बाप ऐसे बच्चे को श्रेय दे कि उनका बच्चा भी कामयाब हो, हक जी का यही सपोर्ट रहे कि समाज में जो भी बोले हैं इस बच्चे सब इनके बातों पर फोकस करें और आगे बढ़े। अब बिल्कुल हमारे साथ नूरुल हुदा जी थे और DSP पद पर हैं, अभी आपका चयनित मतलब किस जगह पे हुआ है? अभी ट्रेनिंग होगा। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद फिर अलॉटमेंट होगा, लेकिन हम चाहेंगे जितने भी हमें लोग देख रहे हैं और जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा जो BPSC का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए, खास स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं? कठिनाइयाँ आते जाएंगी, आपको लगे रहना है, बड़ी सफलता के लिए बड़ा मेहनत ज़रूरी है और बड़ा बलिदान ज़रूरी है, वो बलिदान करना पड़ेगा आपको, सोशल मीडिया से दूर, यूट्यूब से दूर, शॉर्ट्स इंस्टाग्राम से दूर, हमेशा के लिए दूर नहीं, एक सीमित समय के लिए दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग को सही रखना और पढ़ाई में फुल यूटिलाइज करना ही आपका सफलता का राज बनेगा। दूसरी बात, जो माता पिता हैं, एक बात हमेशा आप लोगों से आग्रह है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो अपने कट ऑफ करके तैयारी करते हैं और पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाएगी, लेकिन वो माता पिता का अगर सपोर्ट रहेगा तो हमेशा वो चीज़ को करते रहेंगे और सफलता पाएंगे। तो माता पिता से ये आग्रह है, आप बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनली, चाहे बच्ची हो